देखो निम्रा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे साथ कभी भी कोई पुरानी बात नहीं होगी। अंदर आने की इजाजत है? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा कमरा है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें इजाजत देने वाली? इजाजत मांगना तो बहुत जरूरी है, तो हर बात की इजाजत मांगनी पड़ेगी। पता नहीं कब कौन सी बात तुम्हें बुरी लग जाए। बल्कि मैं तो सोच रहा था स्कूल में एडमिशन ले लेता। स्कूल में क्यों, आपके पास आ जाता हूँ ट्यूशन के लिए। सिखा देना मुझे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नहीं बात करनी चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि अपनी बीवी पे कितना हक जताना चाहिए। ये सब सीख लूंगा तो फिर तो गवार नहीं रहूंगा। ये टेप लो जो देख लो। ये भी ठीक है, पहले जिस हरकत पे बेइज्जती करती हो वही काम दोबारा करने को कहती, फिर से बेइज्जती कर दोगी। तो मेरा मकसद तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं था। निम्रा तुम्हारी जॉब नहीं लगी अभी, मैं तो डरता हूँ जिस दिन तुम इस घर से बाहर कदम रखोगी और कमाने लग जाओगी उस दिन तो बहुत हक जमाओगे। वैसे पता है क्या, तुमने ना ठीक किया मेरे साथ, मुझे मेरी औकात याद दिलाती, बहुत पहले ही दिलाती। ये रिश्ता भी इतना मजबूत नहीं हो वरना बहुत तकलीफ होती। अपना मैं कितना फासला रख लें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। क्या देख रही? सोच रही हूँ कितनी खुशनसीब थी वो जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई, और कितनी बदनसीब भी जिसने तुम्हें खो दिया। जानते हो मैं तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आई थी? जानता हूँ। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? तुम ऐसी बात ही ना पूछो जो मुझे बुरी लगे। ठीक है, नहीं पूछती। अच्छा अच्छा पूछ लो, नहीं मानता बुरा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं जवाब दूँ। ऐसा क्या था उसमें जो तुम्हें पहली नजर में उससे मोहब्बत हो गई? तुम जवाब नहीं देना चाहते तो मत दो, इट्स ओके। ये सवाल मैंने खुद से भी पूछा था, मगर आज तक अपने आप को कोई जवाब नहीं दे पाया। ऑनेस्टली मैं आज भी नहीं जानता कि निम्रा में ऐसा क्या था जिसने मुझे उससे पहली नजर में मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम अभी भी उससे मोहब्बत करते हो? उसने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है। मोहब्बत तो दूर, वो मेरे नफरत के काबिल भी नहीं। उसकी जगह कोई और ले सकता है? देखो मैं इस वक्त एक ऐसे फेज से गुजर जहां मेरी जिंदगी में किसी नए रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे भी है अभी पुराने हिसाब किताब क्लियर करने हैं।
बाबा जी, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी सारी जिंदगी। क्या हुआ, बीवी से झगड़ा हुआ है क्या? बताओ ना, बीवी से झगड़ा हुआ है? बात पूछो तुमसे। हाँ पूछो। मैं कभी अगर कहूं कि मुझे तुम्हारा फोन फेक करना है, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं तो कभी ऐसा तो नहीं लगेगा कि क्या जहलाना हरकत कर दी है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, और वैसे भी मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। क्यों, तुम्हारी बीवी ने कुछ कहा है तुम्हें? क्या बातें सुनाई हैं उसने? मैं तो समझती थी बड़ी पढ़ी लिखी है, उसे इतनी तो अक्कल होगी कि शोहर से बात कैसे करते हैं, शोहर की इज्जत कैसे करते हैं, मगर वो तो पढ़ी लिखी जाहिली निकली है। वैसे मुझे पता है क्या लगता है, उसके फ़ोन में ना उसी लड़के के मैसेजेस और तस्वीरें होंगी, वही वो जो उसके कमरे से निकला था शादी वाले दिन। बस कर दो सब। राशिद, राशिद बात सुनो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? अम्मी कैसी हैं? अब्बू कैसे हैं? तक तो मुझे भूल भी गए होंगे ना। यही बताने के लिए कॉल की है कि नहीं भूले। अभी थोड़ी देर पहले आपकी ही बातें हो रही थी। झूठ बोल रही हो ना मुझे तसल्ली देने के लिए? मैं सच कह रही हूँ आपकी। अब्बू भले सख्त लहजे में आपका नाम लेते हैं, सख्त लहजे में आपके लिए बात करते हैं, लेकिन वो इसी बहाने आपको ही याद करते हैं, और रात डाइनिंग पे भी आपका नाम लेने लगे और कहने लगे, निम्रा तुम खाना क्यों नहीं खा रही? फिर जब अम्मी ने पूछा कि आप किससे बातें कर रहे हैं, तो डाइनिंग से उठ के चले गए। अम्मी भी रोते हुए उठ के चले गए। और क्या कहते हैं मेरे बारे में अब्बू? कुछ सख्त बातें करते हैं, लेकिन वो आपको याद बहुत करते हैं आपकी। यही कहते होंगे ना कि मर गई हमारे लिए। हाँ, फिर अम्मी ने पूछा कि आप उसको इतना याद क्यों करते हैं, तो कहने लगे कि मरे हुए लोगों को कभी कभी याद कर लिया जाता है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाफ़िज़। हाँ।